जो बहुत सोता है उसको कभी योग सिद्ध नहीं होता। सच्ची मानिए 3 घंटे नींद में काम हो जाता है, अधिक से अधिक 4 घंटे। भागवतिक चिंतन अपने आप इंद्रियों को संतुष्ट कर देता है। जो नींद से संसार का चिंतन छूटने पर इंद्रियां बल को ग्रहण करती हैं, वही भगवत चिंतन से स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है। पर ये बातों से नहीं होगा, स्थिति से होता है। स्थिति कब आती है? अभ्यास करने से। अगर आप अभ्यास परायण रहेंगे ऐसा होगा। ये सोना हमारे लिए बहुत हानिकारक है और ये सोना हमारे लिए लाभदायक भी है, दोनों बात समझना। जिसका स्वभाव बन जाता है कि जहां बैठे वहीं सो गए, जहां बैठे है ऐसा हमने देखा है, बैठे 2-4 मिनट जहां एकागो घोटा बजने लगे, ये क्या है, ये दलित दुराए क्यों? अरे तुम साधक हो, ये दलित दुरता क्यों? क्या यही उपासना में तुमने सिद्धि प्राप्त की है? जहां बैठ जाओ वहां तुम लड़खड़ा गए, लार बहने लगी, सोने लगे, घोटा बजने लगे, ये दलिद्रता है, ये तमोगुणी है।